जी बच्चे, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 37। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैस, हमेशा याद रखो बच्चे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, याद रखना है बच्चे, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो होता है सबस्टांस मैक्रो मॉलिक्यूलर के हो जाता है स्ट्रक्चर, ये सबका ठीक है, शाबाश, कौन सा होता है जी, डी ऑप्शन इज क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन, क्लियर। सपोज द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा जी, इज इक्वल टू, ठीक है बच्चे, याद रखो बच्चे जब हम एवरेज ट्रांसलेशनल कनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं तो इसके लिए एवरेज कनेटिक एनर्जी के लिए 3/2 क्या होता है जी, के टी होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर आपका कितना दिया गया है, ठीक है, जितना भी आपका टेम्परेचर दिया गया है इसको करोगे तो हमारे पास 12 जूल आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चे, सी ऑप्शन इसके होगा, करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल मोर क्या है जी इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होती है, अक्सर स्टूडेंट ने ये बच्चे वाटर लिखा है, याद रखो बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी बच्चे, हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर, नो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक बिल्कुल सही है जी, हमारे पास किसके अंदर होगी बच्चे, HF के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट, विच इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर जी बच्चे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है जी, ठीक है, ये तो सबको पता है -273.15, तो ये भी सबका ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, हाँ जी, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज टू 3 एटमोसफियर ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, प्रेशर रिड्यूस टू 0.2 एटमोसफियर, देन आइडियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो आपको पता है P आइडियल हम कैसे फाइंड करते हैं, P प्लस क्या होता है जी, P प्राइम, तो ये हमने किया 3 प्लस 0.2 तो दैट इज इक्वल टू 3. क्या हो जाएगा, 2 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट टेम्परेचर STP यूजुअली रेफर टू द, ठीक है जी, कितना रेफर होता है बच्चे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप करेंगे तो 332 फारेनहाइट, और आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 पास्कल इक्वल होता है, तो इट्स मीन बी ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। नेक्स्ट, ऑब्जर्व प्रेशर इज द ऑलमोस्ट इक्वल टू द आइडियल प्रेशर फॉर द क्या होता है जी, जरी सी बात है क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर क्या होंगे बच्चे, स्मॉल होंगे, तो सी ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड जी बच्चे, ये सबका ठीक है, कौन सा है बच्चे, शुगर है। नेक्स्ट, हाँ जी, कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय 32 जो होता है ग्राम, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द 100 सेंटीमीटर क्यूब्स एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब, आपको पता है वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है बच्चे, तो सी है तो क्या होगा, 1:2 क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चे, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड विल चेंज विद द टेम्परेचर्स, ठीक है बच्चे, कौन सी होती है जी, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता, बाकी सारी चेंज होती है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम्स टी टी कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा बच्चे, इट इज कॉल्ड आइसोबार, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 एंड H2 एटमॉस्फेयर्स, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चे, 6.02 × 10⁻², ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास 57 MCQs, 58 विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है आगे करें आगे, ओके ओके 58 49, हाँ जी हाँ जी, द आइसो ये हो गया जी, ये तो ये 6.02 × 10⁻²² होगा, 51 देखे जी, विच वन इज नॉट मॉलिक्यूलर लिक्विड बच्चे, कौन सा मॉलिक्यूलर लिक्विड नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। विच टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन द क्लोरोफॉर्म, कौन सी होती हैं बताओ जरा, ठीक है क्लोरोफॉर्म में, अक्सर बच्चों ने ये गलत लिखा है बच्चे, तो याद रखो इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, याद रखना है आपने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्या है जी वोलेटाइल, जो जल्दी उड़ जाता है बच्चे, जरी सी बात है इसमें सबसे ज्यादा कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है HI के अंदर, इस वजह से ये जल्दी उड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन द लिक्विड एवेपोरेट्स द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है बच्चों, तो इट विल्स क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होगा जी, आइसोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है जी।
ओके जी, नेक्स्ट क्या होगा, विच सॉलिड डज नॉट कंटेन को होता है कोवलेंट बॉन्ड, किसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कॉपर के अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, कौन सी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, तो कौन सी है बच्चों, डेंसिटी, ये तो सबका सही है, वेरी गुड। और लास्ट है जी हमारे पास, विच वन हैज द वैल्यू ऑफ क्या जी, लैटिस एनर्जी, ये बार बार बच्चे रिपीट होता है, याद रखो हमारे पास लैटिस एनर्जी सबसे पहला जो डोमिनेंट फैक्टर है वो चार्ज है, उसके बाद हम देखते हैं साइज, चार्ज ग्रेटर होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसका मतलब है बी ऑप्शन इसका होगा करेक्ट वन। कैसे लगे आपको, ठीक लगे हैं, तो चलें जी नेक्स्ट में हम लाइव सेशन में देखते हैं जी, थैंक यू वेरी मच बच्चे।